Hi everyone, I hope you all are doing good. So a lot of you have been asking me where are you shifting now and how are you managing with a newborn baby, traveling and a lot of things going on right now. So today I'm just going to show you how we are managing in new place. It's been really difficult with a newborn. We have recently shifted from Baroda to Assam. Life has been like a roller coaster from last 1.5 years. Happy moments, sad moments, so much to show. We were in Baroda, the Garba city, and we stayed there for almost 3 years. Hum wahan 3 saal the. And yes, that city has given me so much. My channel was growing, though slowly. We had Ivan in that city. क्या कर रहे हैं बेबी? बेबी मेरा अंगूठा पी रहा है. And recently we have to move to a different place that is in extreme east of India, that is Assam. और छोटे बच्चे के साथ travel करना was really really difficult. Thankfully my mom is here with me. She also traveled with us and she is staying with us right now. Without her help I cannot manage anything. So right now she is a big help. This place is as low as 2G network and you will find only insect and animals around. Sometimes I feel that we have come to their home and not they are coming to our home. So this place is like really really beautiful. So we landed to this place almost a month ago aur abhi tak we have not settled down due to rains. Yahan ki barish is the worst. Yahan par fungus lagta hai cheezon mein. I have almost lost my camera. It's not working due to the moisture yahan. But otherwise this place is really really beautiful. I'm going to show you some glimpse of this place. Yahan ki sabse famous hai Assam chai, Assam tea, and you can see these beautiful tea gardens around. Bahut dur dur tak aapko sirf tea gardens dikhenge. The animals here are so different. They are way too large or way too small as compared to other part of India. Yahan ki baki animals bhi bahut hi cute aur different hai. ऑल्सो जब हम इस टाइप के एरिया में रहते हैं जो बहुत ही रूरल एरियाज़ हैं, बहुत ही छोटे छोटे गांव हैं, तो उनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं. लाइक इंटरनेट नहीं आता है, लाइट का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है. तो उसके लिए भी आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल बिकॉज मेरे इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं. ऑल्सो यहाँ मॉइस्चर का बहुत प्रॉब्लम है बिकॉज इतना ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, वो भी गैजेट्स के लिए इट्स नॉट गुड. तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने गैजेट्स को सेफ रखना बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च. सिलिका जेल आप रख सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मैं रिसर्च कर रही हूँ कि कैसे मैं अपने गैजेट्स को प्रोटेक्ट कर सकूँ. सो ड्यू टू रेन्स और स्टूडियो अभी मैंने सेट नहीं किया है. मैंने जितनी भी अभी तक वीडियोज़ पोस्ट की हैं वो मैंने सारी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे रिकॉर्ड कर ली थी. एंड आगे भी आपको काफ़ी सारी वीडियोस दिखेंगे मेरे प्रीवियस रिकॉर्डेड. एंड वेरी सून आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग न्यू वीडियोस. एक बार मैं अपना स्टूडियो सेट कर लूँ देन आई विल कीप ऑन पोस्टिंग न्यू आइडियाज़. यू गाइज हैव बीन गिविंग मी सो मेनी आइडियाज़. मैम इस पर वीडियो बनाइए, उस पर वीडियो बनाइए, तो डेफिनेटली दैट विल कम वेरी वेरी सून.
ऑल्सो वी हैव कम टू दिस प्लेस बिकॉज अनायशा की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. सो ऑनलाइन क्लासेस हम कहीं से भी अटेंड करवा सकते हैं. सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ लॉकडाउन एंड ऑनलाइन क्लासेस फॉर मी राइट नाउ. सो ड्यू टू द स्लो इंटरनेट, यहाँ इतना स्लो इंटरनेट है, उसकी वजह से काफ़ी बार मैं वीडियोज़ थोड़ा लेट पोस्ट करूँगी. सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, बिकॉज मैं वीडियो बना के रख देती हूँ, मैं अपलोड कर देती हूँ, वो अपलोड होती ही नहीं है, वो पूरा एक एक दिन लगाती है अपलोड होने में. सो दैट इज़ वन मोर स्ट्रगल फॉर मी राइट नाउ. इसके अलावा इवान हो गया है 2 months का. आई कॉन्ट बिलीव हीज 2 months ऑलरेडी. एंड या दैट इज़ इट राइट नाउ. दिस इज़ वॉट आर लाइफ इज़. वी आर स्ट्रगलिंग एंड नॉट येट सेटल, बट स्टिल वी आर वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग वी हैव. एंड या यू गाइज ऑल्सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स. आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.